क्लासेस में मैं आपका वेलकम करती हूँ। बच्चों है, मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी आपको इंग्लिश। इंग्लिश में है बच्चों, मैंने ABCD कंप्लीट बता दी थी, तो आज बताऊँगी ABCD से मतलब कौन कौन से वर्ड बनते हैं। तो देखो बच्चों, अपन चलते हैं सबसे पहले ए। ए से क्या बना बच्चों? एप्पल। APPLE। एप्पल मीन्स क्या बनता बच्चों? सेव। तो बच्चों ये आपको सेव का चित्र दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है बच्चों बी। ABCD में क्या आता है? ए के बाद में बी। तो बी से क्या बना यहाँ? बॉल। BALL। बॉल मीन्स क्या होता है बच्चों? गेंद। तो बच्चों गेंद आपको दिखाई दे रही है, चित्र दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है बच्चों बी के बाद में सी। तो सी से क्या बनता है बच्चों? CAT, केट। क्या बना? केट। केट से, केट का मतलब क्या होता है? बिल्ली। तो बच्चों ये बिल्ली का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है अपना सी के बाद में डी। तो डी से क्या बनता है? डोल। DOLL। डोल मीन्स क्या होता है? गुड़िया। तो बच्चों आपको ये गुड़िया का चित्र दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट आता है डी के बाद में ई। तो ई से क्या बना बच्चों? एलिफेंट। तो ELEPHANT, एलिफेंट। क्या बन गया बच्चों? एलिफेंट। एलिफेंट का मतलब क्या होता है? हाथी। तो बच्चों आपको ये हाथी का चित्र दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है ई के बाद में आता है एफ। तो एफ से क्या बना? फीस। FISH, फीस। फीस का मतलब क्या होता है बच्चों? मछली। हिंदी में क्या होता है? मछली। तो मछली का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है एफ के बाद में जी। तो जी से क्या बना बच्चों? गोट। GOAT, गोट। गोट मीन्स बकरी। तो बच्चों ये चित्र किसका है? बकरी का। नेक्स्ट आता है जी के बाद में एच। तो एच से क्या बना बच्चों? हेन। HEN, हेन। हेन मीन्स क्या होता है? मुर्गी। तो बच्चों आपको ये चित्र मुर्गी का दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है एच के बाद में आई। तो आई से क्या बना बच्चों? यहाँ आइसक्रीम। तो ICECREAM। तो क्या बच्चों क्या बना यहाँ? आइसक्रीम। आइसक्रीम का चित्र आई के बाद में बच्चों क्या आता है? जे। तो जे से यह बच्चों यहाँ क्या बना? जोकर। JOKER, जोकर। तो बच्चों ये आपको जोकर का चित्र दिखाई दे रहा है। तो चित्र देखकर बच्चों याद करना आपको। नेक्स्ट आता है जे के बाद के। तो के से क्या बना बच्चों यहाँ? काइट। KITE, काइट मीन्स क्या होता है बच्चों? पतंग। देखो पतंग का चित्र दिखाई दे रहा है, आप पतंग उड़ाते हो बच्चों। नेक्स्ट आता है आपका के बाद में एल। तो यहाँ बच्चों एल से क्या बना? लैम्प। LAMP, लैम्प। तो लैम्प से क्या है बच्चों? लैम्प का चित्र आपको नीचे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है एम। एम से क्या बना बच्चों? यहाँ मंकी। MONKEY, मंकी। तो बच्चों क्या बना यहाँ? मंकी। मंकी मीन्स क्या होता है बच्चों? बंदर। तो बंदर का चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है, इनको लिख कर याद करना। बाकी है ABCD में 26 अक्षर होते हैं, उनमें से आपको 13 का मैंने वो जो मीनिंग है बता दिए हैं, और 13 का कल बताऊँगी आपको। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक्स। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ARMs ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका वेलकम करती हूँ। बच्चों मैं अब आपको सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाऊँगी। हिंदी में बच्चों मैंने स्वर आपको कंप्लीट करा दिए थे, आज पढ़ाऊँगी आप व्यंजन। तो चलो बच्चों व्यंजन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ व्यंजन कौन कौन से हैं? के, खे, गे, घे। तो बच्चों इनसे क्या क्या कौन कौन से वर्ड बने हैं? देखो यहाँ से कैसे यहाँ बना कबूतर। कबूतर तो क्या बना बच्चों? कबूतर। कबूतर का चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों। नेक्स्ट आता है के बाद में खे व्यंजन। तो खे से यहाँ बच्चों क्या बना? खरगोश। तो बच्चों ये चित्र आपको किसका दिखाई दे रहा है? खरगोश का। नेक्स्ट आता है खे के बाद में गे। तो बच्चों यहाँ गे से क्या बना? गमला। गमला, गमला। तो बच्चों ये चित्र आपको गमले का दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है गे के बाद में घे। तो घे से बच्चों यहाँ क्या बना? घोड़ा। तो बच्चों आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है घोड़े का।
नेक्स्ट आता है एडे। तो बच्चों एडे से कोई शब्द नहीं बनता है, तो यहाँ एडे से अपन खाली बताएंगे, एडे खाली। नेक्स्ट आता है चे। चे से यहाँ बच्चों क्या बना, चम्मच। चे मै चे चम्मच। तो बच्चों आपको ये चित्र चम्मच का दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है छे। छे से क्या बना, छतरी। तो छे तैरी क्या बना, छतरी। तो बच्चों आपको ये नीचे चित्र दिखाई दे रहा है छतरी का। नेक्स्ट आता है जे। छे के बाद में क्या है, जे। जैसे क्या बना, जय हा जय जहाज। तो बच्चों क्या बन गया, जहाज। तो बच्चों नीचे आपको जहाज का चित्र दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है अपना जय के बाद में जय। तो जय से यहाँ क्या बना बच्चों, झंडा। तो देखना जय डा झंडा। तो यहाँ बच्चों नीचे है आपको झंडे का चित्र दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है जय के बाद में ये। तो यहाँ ये से है खाली होता है, ये से कोई शब्द नहीं बनता है। नेक्स्ट आता है टे। टे से क्या बना, टमाटर। टमाटर क्या बन गया बच्चों, टमाटर। तो नीचे चित्र किसका दिखाई दे रहा है बच्चों, टमाटर का। नेक्स्ट आता है ठे। ठे के बाद क्या है, ठे। ठे से क्या बना यहाँ, टटेरा। ठे टेरा। तो क्या बन गया बच्चों, टटेरा। तो ये बच्चों आपको चित्र दिखाई दे रहा है टटेरा का। नेक्स्ट आता है ठे के बाद डे। तो डे से क्या बना, डिब्बा। तो डी बे बा, बे आधा और बे पूरा, आ की माता। तो क्या बन गया, डिब्बा। तो यहाँ बच्चों आपको डिब्बा दिखाई दे रहा है गिफ्ट का। नेक्स्ट आता है डे के बाद में ढे। तो यहाँ ढे से क्या बना, ढोल। ढोल है ढोल। तो यहाँ बच्चों आपको ढोल दिखाई दे रहा है, ढोल। नेक्स्ट आता है अपना अणे। डे के बाद में तो अणे यहाँ खाली होता है बच्चों, अणे से कोई शब्द नहीं बनता, मतलब शब्द के बीच में तो अणा आ सकता है आगे पीछे, लेकिन शुरू में अणे नहीं आता, अणे से कोई शब्द नहीं बनता। नेक्स्ट आता है अपना व्यंजन ते। ते से यहाँ क्या बना बच्चों, तरबूज है, तरबूज। तरबूज का बच्चों नीचे चित्र दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट आता है ते के बाद में थे। तो थे बच्चों, थे से क्या बना, थर्मस। थे रे मैस है थर्मस, क्या बन गया, थर्मस। तो बच्चों यहाँ नीचे चित्र दिखाई दे रहा है थर्मस का। नेक्स्ट आता है ना धे। तो धे से क्या बना, धन है, धन। क्या बन गया, धन। तो बच्चों आपको बहुत सारा धन मतलब पैसे दिखाई दे रहे हैं, उनको अपन क्या बोल सकते हैं, धन। नेक्स्ट आता है दे के बाद में ने। तो ने से यहाँ बच्चों क्या बना, नल है, नल। तो बच्चों आपको है एक बच्चों एक वर्ड बीच में रह गया, दोबारा से फिर से देखना एक बार। तय। तय से क्या बना बच्चों, तरबूज। थे से क्या बना बच्चों, थर्मस। दे से क्या बना बच्चों, दवात है, दवात। क्या बन गया, दवात। दवात का चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। फिर दे से क्या बना, धन। नए से क्या बना बच्चों, नल। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है, ये याद कर लेना, नोट कर लेना और बार बार ये वीडियो चलाना जिससे आपको याद हो जाए। ओके थैंक्स। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, अस्सलामुअलैकुम बच्चों, ऑनलाइन में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, आज में हाय मखलूत दो तस्मी है से होने वाले शुरू अल्फाजों को आज मैं बताऊंगी आपकी। दो तस्मी है कि आवाज़ कैसे निकलती है, हाँ से निकलती है, हाँ करके निकलती है। तो पहला अल्फाज जो है वो क्या है बच्चों, बा प्लस दो तस्मी है। तो अब बा को और दो तस्मी है को जोड़ेंगे तो कैसा बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा बे। तो बे को क्या करेंगे, आधा बना देंगे और दो तस्मी है को साथ में जोड़ देंगे तो भे। भे से क्या बनेगा अल्फाज, भे से भालू। देखो बच्चों, ये तस्वीर भी भालू की और ये लिखा हुआ भी है। फिर है पा प्लस दो तस्मी है। तो पा को क्या, पा को दो तस्मी जोड़ेंगे, बल्कि दो तस्मी को पा में नहीं जोड़ेंगे बच्चों उल्टा। क्या करना है हमें, पा को दो तस्मी है में जोड़ना है। तो कैसे बन जाएगा, फे। तो पा को क्या कर देंगे बच्चों, आधा कर देंगे। पा को आधा कर दिया तो कैसे बन गया, फल। फल से ये बन गया फल। तब प्लस दो तस्मी है थे। अपन ने थे को कैसे जोड़ा, इस तरीके से आता थे दो तस्मी है थे। थे से थीला, थे से बन गया बच्चों टे प्लस दो तस्मी है ठे। ठे से क्या है बच्चों, ठेला।
तो अपन ठे क्या करेंगे, आधा कर लेंगे, दो तशमी जोड़ेंगे ठे, ठे से ठेला, जीम प्लस दो तशमी झे। तो जीम को क्या करा बच्चों, हमने आधा कर दिया, आधा जीम दो तशमी जोड़ा तो क्या बन गया झे, जे से झंडा, देखो पिक्चर के साथ में है तस्वीर, छे प्लस दो तशमी है बराबर छः। तो छः को क्या करा मैंने बच्चों, छः को आधा करके दो तशमी जोड़ी तो छः बना दिया, छः से छाता। एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, भे भे से भालू, भे भे से फल, थे थे से थैला, ठे ठे से ठेला। ठेला तो हाथ में जो सामान लाते वो होता है, ठेला होता है जिसमें लारी बोलते हैं जिसे, झे जे से झंडा, छे छे से छतरी। उसी का हिस्सा बच्चा हुआ बच्चों ये है, दाल प्लस दो तशमी है, दाल जुड़ती नहीं है बच्चों इसलिए दाल को बराबर लिखेंगे, दाल दो तशमी है दे, दे से धनक, हाथ मन पे दिखती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, धनक। दाल प्लस दो तशमी है ढे, दाल को भी बराबर लिख देंगे इसमें जोड़ेंगे नहीं, ढे से ढोल, ढे प्लस दो तशमी है ढे, ढे से कुछ नहीं आता बच्चों खाली है, काफ प्लस दो तशमी है, काफ को क्या करेंगे आधा कर देंगे छोटे काफ को और हल्की आवाज़ निकालेंगे, ख ख से खजूर, काफ प्लस दो तशमी है, काफ को क्या करा बच्चों मैंने आधा कर दिया और उसमें दो तशमी जोड़ दी, गए ख से घड़ी, लाम प्लस दो तशमी है ले, ले जो पानी होता है बहुत सारा भरा हुआ उसमें गोल गोल चक्कर आते हैं उसको बोलते हैं ले, लाम दो तशमी है ले, ले से ले, ढे ढे से धनक, ढे ढे से ढोल, इन दोनों को जोड़ा, हड़े हड़े से हड़े, ख ख से खजूर, घ घ से घड़ी, ले ले से। अब ये बच्चों सारे अल्फाज जो है हम दोनों जो पढ़े हैं दोनों सबक के अल्फाज वो यहाँ पर आ गए, यह बिना तस्वीर के दिए अल्फाजों को, लेकिन ये अल्फाज जो हैं वो यही हैं। तो आपको बच्चों इतना याद करना है लाम तक और अल्फाज बराबर से जोड़ना है इसके अंदर, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। कॉपी में तीन बार लिखना है कम से कम। आप गुड मॉर्निंग पेर बच्चों, ARMS ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका वेलकम करती हूँ। तो बच्चों है अपन ने टेंथ तक गिनती पढ़ी थी, तो बच्चों यहाँ ये क्वेश्चन है तो मैं बता रही हूँ आपको, काउंट एंड राइट द नंबर इन द केलेस बिलो इस सेट ऑफ फिंगर्स। तो यहाँ बच्चों है यहाँ बॉक्स दिए हैं, तो ये फिंगर अंगुलियाँ हैं उनको गिनकर काउंट कर कर अपने को बॉक्स में भरना है। तो देखना सबसे पहले बच्चों आपको है ये अंगुली फिंगर्स कितने दिखाई दे रहे हैं बच्चों, वन। तो बच्चों यहाँ अपन बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें क्या भरेंगे, वन। फिर बच्चों ये अंगुलियाँ हैं नेक्स्ट वाली हैं फिंगर्स कितने दिखाई दे रहे हैं, वन टू। तो यहाँ बॉक्स में कितने भरेंगे, टू। फिर नेक्स्ट है फिंगर्स बच्चों बताओ काउंट करके बताओ कितने होती है, वन। मेरे साथ साथ आप भी काउंट करना बच्चों, तो देखना वन टू थ्री, तो कितने हो गए बच्चों यहाँ, थ्री। तो यहाँ भरेंगे बॉक्स में थ्री। फिर नेक्स्ट फिंगर से देखो बच्चों कितनी दिखाई दे रही है आपको, मेरे साथ में गिनना आप भी, वन टू थ्री फोर, तो कितने हो गए बच्चों, फोर। तो ये बॉक्स है इसमें भरेंगे अपन फोर। फिर नेक्स्ट है फिंगर्स देखो बच्चों कितनी दिखाई दे रहे हैं आपको, वन टू थ्री फोर फाइव, तो कितने हो गए बच्चों, फाइव। तो ये बॉक्स में अपन भरेंगे फाइव। नेक्स्ट फिंगर्स है बच्चों कितनी दिखाई दे रही है काउंट करेंगे मेरे साथ साथ, तो देखना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो कितने हो गए सिक्स। तो बच्चों यहाँ अपन सिक्स भरेंगे। नेक्स्ट है फिंगर्स काउंट करेंगे बच्चों देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये सेवन हो गए बच्चों फिंगर्स, तो अपन यहाँ सेवन भरेंगे। नेक्स्ट आता है फिंगर्स देखो बच्चों गिनो मेरे साथ में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो कितने हो गए बच्चों काउंट करने पर एट, तो यहाँ अपन भरेंगे एट। नेक्स्ट आता है देखो बच्चों इसमें फिंगर्स गिनेंगे आप भी मेरे साथ गिनना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो कितने हो गए बच्चों नाइन, तो यहाँ भरेंगे अपन नाइन। नेक्स्ट देखो बच्चों ये फिंगर्स कितने हैं काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो यहाँ बच्चों ये टेन हो गए हैं, तो अपन ये इस बॉक्स भरेंगे बॉक्स में टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ,
राइट द मिसिंग नंबर इन ईच द एक्सक्यूज। तो यहाँ देखना जो रिक्त स्थान है बीच में जगह दी हुई है उसमें अपने को बच्चों काउंटिंग पढ़नी है। जैसे देखना यहाँ वन वन दिया हुआ है तो वन के बाद में बच्चों क्या आता है टू, यहाँ टू भरेंगे। फिर टू के बाद में कौन सी संख्या आती है थ्री, तो यहाँ बच्चों थ्री भरेंगे। थ्री के बाद में फोर, फोर के बाद में क्या भरेंगे फाइव, फाइव के जस्ट बाद में आएगी सिक्स, सिक्स के बाद में आती है संख्या सेवन, सेवन के बाद में एट दिए हुए हैं यहाँ। फिर नेक्स्ट है नीचे वाले बॉक्स में अपन चलते हैं, देखो वन दिया हुआ है तो वन के बाद में आगे वाली संख्या कौन सी आएगी टू, टू के बाद में थ्री, थ्री दिए हुए हैं, थ्री के बाद में फोर, फाइव दिए हुए हैं यहाँ। फिर नीचे बॉक्स है खाली तो फाइव के बाद में अगली संख्या कौन सी आती है सिक्स, तो यहाँ सिक्स भरेंगे। सिक्स के बाद में सेवन, सेवन के बाद में आती है बॉक्स दिया हुआ है एट, तो सेवन के जस्ट वाली संख्या कौन सी आती है एट, यहाँ नाइन दिए हुए बच्चों, नाइन के बाद में अपन भरेंगे यहाँ टेन। नेक्स्ट है तो बच्चों यहाँ देखना नीचे है वन दिया हुआ है, त्रिभुज आकृति के आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें वहाँ स्टार्टिंग में वन दिया हुआ है, तो सेकेंड में देखना टू, टू के बाद में कौन सी संख्या आती है थ्री, थ्री के बाद में फोर, फोर के बाद फाइव, फाइव के बाद में सिक्स, सिक्स के बाद में सेवन, सेवन के बाद में एट, तो ये बच्चों आपको बढ़ने हैं। नेक्स्ट है अपने यहाँ बच्चों, यहाँ आपको गोलियाँ आकृति है, गोल गोल है जैसे दिखाई दे रही आकृति, तो उसमें देखना वन दिया हुआ है, तो वन के बाद में आपको इस आकृति में आपको टू बढ़ना है, टू के बाद में थ्री दिया हुआ है, थ्री के बाद में फोर बढ़ना है, फोर के बाद में फाइव दिया हुआ है, फाइव, फाइव के बाद सिक्स, सिक्स के बाद में आपको यहाँ सेवन बढ़ने हैं, सेवन के बाद जस्ट आपको एट बढ़ने हैं, और नाइन दिया हुआ है, नाइन के बाद में आपको टेन बढ़ने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, और बार बार वीडियो चलाना, बार बार देखना, और आज के लिए इतना काफ़ी है, और लिखकर याद करना। ओके थैंक्स।